हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक, एक दिन में पहली बार 2,34,000 नए केस, देश में 1,338 मौतों से हड़कंप। कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार 3 दिनों से 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। वर्ल्डरोमीटर के मुताबिक देश में शुक्रवार रात 12 बजे तक 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,33,757 नए मामले सामने आए, जिससे भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,21,683 हो गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में नए संक्रमितों की ये सर्वाधिक संख्या है। लगातार तीसरे दिन नए मामले 2 लाख से अधिक दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में 1,338 मरीजों की मौत हो गई। महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,673 हो गई है। इसी के साथ कोरोना के इलाजरत मरीजों की संख्या 16.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 16,73,016 दर्ज की गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का करीब 11.52% है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 15 अप्रैल तक देश में 26,34,76,625 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,73,210 नमूनों की जांच गुरुवार को की गई। देश में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना मरीजों में से 53.5% केवल 4 राज्यों में है। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 63,729 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 27,360, छत्तीसगढ़ में 14,912 और दिल्ली में 19,486 नए मामले सामने आए हैं। जागरूक टीवी की कोरोना अपडेट पर खास रिपोर्ट।